हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने घर पे स्वस्थ होंगे, अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे और कोरोना सिचुएशन थैंकफुली अब काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है, तो सब लोग अपने फैमिली रिलेटिव से सबसे मिल रहे होंगे, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। क्योंकि जैसे केसेस कम होते तो हमें लगता है चलो थोड़ा घूमो, बाहर निकलो, आउटिंग करो, रिलेटिव से मिलो, फैमिली मेम्बर्स जिनसे हम नहीं मिले हैं बहुत दिनों से, फ्रेंड्स से नहीं मिले उनसे जाके मिले। क्योंकि कोरोना जब ज़्यादा होता है तब तो डर लगता है किसी से मिलने में, बट नाउ कंसिडरेबली सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। सो दिस इज़ द राइट टाइम वेन वी कैन मीट आवर फैमिली, फ्रेंड्स एंड एनी वन एल्स लाइक हुम यू फील लाइक मीटिंग। सो फ्रेंड्स, मैंने आज का वीडियो फिर से एक शॉपिंग हॉल है जिसमें कि मैंने जो ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं ना मतलब समर्स हो गए तो मेरे को लग रहा था कि ऑफिस जाने के लिए या कहीं भी आप जा रहे हो तो आपको कपड़े चाहिए होते, क्योंकि कोरोना से जब से इतना कोरोना हुआ है, वर्क फ्रॉम होम वाला जो वो स्टार्ट हुआ, तो कपड़ों की जो रिक्वायरमेंट है बाहर आने जाने वालों की वो काफ़ी कम हो गई थी। अब आपको लगता है बस घर के लिए कपड़े खरीदो, दैट्स मोर देन इनफ, पर अब बाहर भी निकलना पड़ता है और आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ता है तो आपको कपड़ों की अब ज़रूरत होती है, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव है एंड होपफुली सिचुएशन इम्प्रूवड ही रहे। तो अब मेरे को समर्स के लिए कपड़े खरीदते थे, मैं काफ़ी टाइम से बहुत सारी साइट्स हैं ऑनलाइन साइट्स जिस पर मैं सर्च करती रहती हूँ, पर मुझे कुछ भी ना अच्छा सा मिल नहीं रहा है। मतलब बस अब मतलब जो भी मिलता है मैं ले लेती हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी साइट से खरीदूँ। अगर आपके पास कोई अच्छी सी साइट हो जिस पे आप जो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो जिससे मैं खरीद सकती हूँ, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सजेस्ट करिएगा, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर वेरी गुड स्मार्ट टॉप्स जो जिनको मैं खरीद सकूँ और जहाँ भी मुझे जाना है मैं पहन सकूँ। क्योंकि समर्स में वही आपको टॉप्स चाहिए होते हैं, तो मैं हर तरीके के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही हूँ अभी। सो मुझे और कहीं कुछ समझ नहीं आया, मैंने बहुत सारी साइट्स पे ऑर्डर भी किए फिर मुझे समझ नहीं आया, मैंने उनको रिटर्न भी कर दिया बल्कि बहुत सारे। तो अभी मैंने मिंत्रा से कुछ टॉप्स मंगाए थे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मुझे थोड़े ठीक ठाक से लगे तो मैंने अपने पास रख लिए हैं, तो मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करती हूँ। तो ये आज ही मैंने रिसीव किए थे पैकेट्स। तो सबसे पहले जो है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, पिंक कलर का टॉप है, पिंक कलर का टॉप है, तो आप इसको जीन्स के साथ ही अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप पहन सकते हो। सो ये ना पिंक कलर का टॉप है और इस तरीके का ना इस पे नेक पे इस तरीके का फ्रिल बना हुआ है, तरीके का डिज़ाइन है, और पीछे ना इसमें ऐसे ये आजकल मोस्टली ऐसे ही होते हैं जो ऊपर तक के हाईनेक वाले जो टॉप्स होते हैं, मतलब इट्स नॉट कम्प्लीटली हाईनेक, बट जैसे कि आप मेरा इसका टी शर्ट का नेक देख सकते हैं ऊपर तक है, तो अगर ये बटन नहीं होगा तो घुस अंदर डालने में इसको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि तो हॉजरी होता है तो घुस जाता है। बट इस तरीके का फैब्रिक जो होता है रियन फैब्रिक है, तो ये घुसता नहीं है, तो इसके लिए आपको मतलब बटन पीछे चाहिए होता है, तो इसमें यहाँ पे एक अच्छा सा बटन दिया हुआ है पिंकी कलर का, तो आप इजीली इसको वेयर कर सकते हो। और इसी तरीके का जिस तरीके का नेक पे ऐसा ये डिज़ाइन बना हुआ है फ्रिल टाइप, इसी तरीके का इसका स्लीव्स पे है, दीज आर स्मॉल स्लीव्स मतलब जो आपको यहाँ तक आती हैं। और ये जो मैंने ख़रीदा है दिस इज़ मस्त एंड हार्बर ब्रांड का ख़रीदा है मैंने, आप देख सकते हो मस्त एंड हार्बर ब्रांड, और एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में मैंने इसको ख़रीदा है, बट इसका फिट ना मुझे थोड़ा सा टाइट लग रहा है, वही एक्स्ट्रा स्मॉल वही साइज़ मतलब आपको किसी किसी में उग के आता है, किसी किसी में आपको टाइट आता है, किसी किसी में आपको लूज़ आता है, तो हर एक उसका ब्रांड का वो वेरिएट करता है। तो मैंने जनरली एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में इस ये मस्ट एंड हार्बर ब्रांड के मैंने ख़रीदे हैं, बट पता नहीं ये मेरे को हल्का सा टाइट लग रहा है, तो मैं शायद इसको वापस कर दूँ, क्योंकि नो पॉइंट वेस्टिंग मनी जस्ट कीपिंग इन माय अलमीरा एंड नॉट वेयरिंग इट। सो ये इस तरीके का है, सो वैसे तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, पिंक कलर का है और ऊपर से इसमें आप देख सकते हो इस तरीके के फ्लावर्स बने हुए हैं, अलग अलग येल्लो पिंक ब्लूश कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं, आगे पीछे पूरा ऐसा सेम ही प्रिंट है। ये मैंने आपको बताया मस्ट एंड हार्बर ब्रांड का है और ये मैंने ख़रीदा था एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में, और इसने मुझे कॉस्ट किया है 389 रुपीज़, वेरी रीजनेबल 389 रुपीज़ में है। अगर आप कहीं और नहीं तो घर में पहनने के लिए भी ले सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा इसका लास्टिक भी जो है टाइट लग रहा था, जो स्लीव्स पे इसका लास्टिक है थोड़ा सा मुझे टाइट लग रहा था, मुझे फिर वो ब्लड क्लॉटिंग वगैरह की मतलब वो रहता है और फिर पेन भी करता है, तो इसलिए मैं शायद इसको वापस कर दूँ, बट मैंने सोचा कि मैं शेयर करती हूँ क्योंकि अदरवाइज़ ये टॉप बहुत अच्छा है। ये मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में ऑर्डर किया था और 389 रुपीज़ इस मुझे कॉस्ट की है।
बढ़ते हैं दूसरे टॉप की तरफ। ये है, ये भी बहुत प्रिटी सा ग्रीन कलर है। इट्स नॉट लाइट ग्रीन या सी ग्रीन, सी ग्रीन में थोड़ा सा आप शेड कह सकते हो, बट प्रॉपर ग्रीन, जैसे घिया का कलर होता है ना, घिया कलर, उस तरीके का कलर है ये। घी का जो छिलके का कलर होता है या क्यूकम्बर कलर जो होता है, आप उस तरीके से इसका कलर है। सो ये जो है, कौन से ब्रांड का है, लेट मी जस्ट सी, ये है, ये भी मस्ट एंड हार्बर ब्रांड का है। ये आप देख सकते हो मस्ट एंड हार्बर ब्रांड का है ये भी। और ये इसका जो कॉस्टेड, जो इस पर प्राइस कोटेड है, दैट इज़ 1299, आप ये देख सकते हो 1299, बट ये मुझे एक्चुअल में कॉस्ट किया है इसने 714 रुपीज़ का है। और ये भी मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में ऑर्डर किया है, और ये मेरे को इसका फिट ठीक है। मतलब वो ये कि थोड़ा फैब्रिक का, और फैब्रिक इसका फैब्रिक थोड़ा सा सॉफ्ट है इन कंपैरिजन टू दैट, है तो दोनों पॉलिस्टर ही, बट वो थोड़ा सा खड़ा खड़ा वाला है, एंड दिस इज़ क्वाइट सॉफ्ट, क्वाइट कंफर्टेबल टू योर स्किन। ये भी मैंने जो है, आप देख सकते हो, ये भी मैंने जो है एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में ही ऑर्डर किया, और इसका साइज़ मुझे, इसका फिट मुझे ठीक आया है, बट वो मुझे थोड़ा सा टाइट लग रहा था। और ये ब्रांड मस्ट एंड हार्बर, ठीक है। और ये इस तरीके से है, आप इस देख सकते हैं स्लीव्स पे ना, इस पे ऐसा नेट लगा हुआ है, और नीचे ऐसे बॉर्डर पे ऐसा नेट लगा हुआ है। ये मतलब इसमें मेंशन नहीं था कहीं पे भी कि क्रॉप टॉप है, बट जब मैंने इसको पहना तो ये क्रॉप टॉप की फीलिंग दे रहा था। एक्चुअली एक तो इसमें नीचे नेट है, तो वैसे ही थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और थोड़ा सा लेंथ में भी शॉर्ट है कंपेरेटिवली, तो ये मतलब इट विल वर्क एज अ क्रॉप टॉप, नॉट एज अ रेगुलर टॉप। और ये इस तरीके से है, इसका नेक भी ऊपर तक ही टचिंग होगा, और इसमें पीछे से इस तरीके से है, और ये आपको उन्हें ऐसे डोरी दी हुई है पीछे। दिस इज़ द बैक साइड एंड दिस इज़ द फ्रंट साइड। और इसके स्लीव्स ठीक ठाक लेंथ है, जितनी मेरी ये स्लीव्स आ रही है लेंथ, इतनी ही लेंथ इसकी है। और कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है, कलर भी बहुत डिफरेंट है। अब अगर आप इस तरीके के टॉप पहनते हैं तो आप खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और ये मुझे 714 रुपीस में पड़ा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉप की तरफ। नेक्स्ट टॉप थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का टॉप है, आप इसको फॉर्मल ऑफिस वेयर्स में भी पहन सकते हैं अगर आप स्लीवलेस पहनते हैं। मैं स्लीवलेस पहन लेती हूँ इसलिए मैंने इसको ख़रीदा है, बट ये एक्चुअली मेरे साइज़ में अवेलेबल नहीं था, तो मेरे को इसको बड़े साइज़ में ऑर्डर करना पड़ा। तो मुझे, मैंने ये सोच के ऑर्डर किया था कि सिंस आई लाइक्ड इट द कलर एज वेल एज द फैब्रिक, सो इन केस इट लुक्स गुड ऑन मी आई विल गेट इट ऑल्टर्ड। तो मैं इसको ऑल्टर करा लूँगी अगर मुझे सही, मतलब इसका वो अच्छा लगा। तो ये इस तरीके का शर्ट स्टाइल में टॉप है, आप देख सकते हो शर्ट स्टाइल में टॉप है, बट दिस इज स्लीवलेस। तो मेरे को ये साइज़ बहुत, मतलब एक साइज़ मैंने अपना बड़ा ऑर्डर किया है, मैंने साइज़ में, स्मॉल साइज़ में इसको ऑर्डर किया है। ये देख सकते हो आप, हर बाय इनविक्शियस ब्रांड का है ये, स्मॉल साइज़ में मैंने इसको ऑर्डर किया है। और इसका जो कोटेड प्राइस है दैट इज़ 1198, बट ये मुझे पड़ा था 479 रुपीज़, काफ़ी सस्ता ये मुझे पड़ा है 479 रुपीज़ में। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कॉलर वाली शर्ट, मतलब कॉलर वाला शर्ट स्टाइल है इसका बिल्कुल। तो मेरे को इसका आर्म होल वगैरह भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि मतलब ये साइज़ मतलब मेरा नहीं है, बट मुझे अच्छा लग रहा था इस तरीके का। मेरे पास स्लीवलेस शर्ट स्टाइल में कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको खरीदती हूँ, अच्छा लगेगा। और इस तरीके के इसके ऊपर ना फ्लावर्स बने हुए हैं वाइट कलर के विद ग्रीन लीव्स। तो दिस इज़ द बैक साइड एंड दिस इज़ द फ्रंट साइड। सो आई लाइक दिस टॉप, सो आई गेट इट ऑल्टर्ड एज पर माई साइज़। और इसको आप ट्राउज़र के साथ पहन सकते हो, अगर आप स्कर्ट पहनते हो तो आप इसको स्कर्ट के साथ पहन सकते हो। और इसका फैब्रिक भी ना कॉटन का है, सो समर्स के लिए दिस इज़ परफेक्ट। इस तरीके से सामने से आप देख सकते हो इसमें बटन्स दिए गए हैं पूरा नीचे तक, जैसे कि शर्ट में होते हैं। सो इफ़ यू लाइक दीज काइंड ऑफ टॉप्स यू कैन गो फॉर इट। दिस दीज आई होप इट विल लुक
गुड विद स्कर्ट विद ट्राउजर व्हेवर यू फील लाइक. और आजकल तो ट्राउजर्स में भी इतने सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, पैरेलल ट्राउजर्स हैं, फिटेड ट्राउजर्स हैं, लूज ट्राउजर हैं, बेल बॉटम ट्राउजर्स हैं. सो यू कैन ट्राई इट विद एनी ऑफ द ऑप्शन विच यू लाइक. सो दिस वॉज द ऑनलाइन शॉपिंग विच आई डिड फ्रॉम मिंत्रा. अपार्ट फ्रॉम दैट यस्टरडे आई वेंट टू द मॉल एंड फ्रॉम देयर आई परचेज दिस टॉप. आई रियली रियली लाइक दिस. सो ये इस तरीके का टॉप है. नीचे से इसमें आप ये देख सकते हो, ये ऊपर से तो फिट रहेगा और नीचे से इसमें इस तरीके का फ्रिल है, पेम्पलम स्टाइल जैसे आप बोलते हो, पेम्पलम स्टाइल में ये टॉप है. स्लीवलेस है और इसमें पीछे बटन दिए गए हैं, क्योंकि ये भी ऊपर आजकल ये इस तरीके के हाई, मतलब नॉट प्रॉपर हाई नेक बट दीज काइंड ऑफ हाई नेक, जैसे मैंने टी शर्ट पहना, इस तरीके के टॉप्स बहुत ज़्यादा इन है. तो ये अंदर डलने में, मतलब नेक में पास करने में प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए इसमें पीछे बटन दिए गए हैं. आप ये देख सकते हो, यहाँ तक बटन दिए गए हैं. नीचे पूरा नीचे तक बटन नहीं है, बट यहाँ तक बटन दिए गए, तो आप इजीली इसको वेयर कर सकते हो. सामने इस तरीके का ऐसा फ्रिल बना हुआ है और ये क्रीम, इट्स नॉट प्रॉपर वाइट बट हाँ क्रीमिश वाइट में है, और इस पर ऐसे ग्रीन कलर का लीज फ्लावर, यही आजकल बहुत इन है, मतलब फ्लावर प्रिंट्स वगैरह. जितने भी मैंने टॉप खरीदे सब पे इस तरीके का ही प्रिंट है. सो इस तरीके का प्रिंट है एंड इट वॉज लुकिंग अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था. सो मैंने जो शॉपिंग कल करी थी मॉल से, उसमें मुझे ये टॉप बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ. ये मैंने ख़रीदा है सेंट्रल मॉल से, एरो सिटी में जो सेंट्रल मॉल है, मैंने वहाँ से ख़रीदा था. और ये हे ब्रांड का है और ये मैंने ख़रीदा है स्मॉल साइज़ में. वो ये साइज़ हर एक ब्रांड का ना डिफरेंट होता है, तो मतलब आप हमेशा ट्राई करके या जिस उस ब्रांड में आप जो स्पेसिफिक साइज़ ख़रीदते हैं वही साइज़ खरीदे तो ज़्यादा अच्छा है. कुल क्योंकि साइज कीप्स लाइक वन साइज इज़ नॉट फॉर ऑल दी ब्रांड, इट्स डिफरेंट. सो आप हमेशा अपना जो आप उस पर्टिकुलर ब्रांड में साइज़ खरीदते हैं वही खरीदें, या फिर अगर आप मॉल वगैरह में जा रहे हो तो ट्राई करके खरीदें. बिकॉज साइज़ ये नहीं है कि आपको, हो सकता है कि मीडियम साइज़ में भी, क्योंकि मैंने कुछ कपड़े ऐसे खरीदे जो मीडियम साइज़ में मुझे ओके आते हैं. सो हमेशा ट्राई करके ही कपड़े खरीदिए. सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी शॉपिंग जो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ. अगर आपको ये शॉपिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, बहुत सारा लाइक दीजिएगा मैं, और बहुत सारा कमेंट कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करते ही रहिएगा. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. नमस्ते.